पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, शादी.com के अनुपम मित्तल, अपग्रेड के फाउंडर रोनी स्क्रूवाला जैसे दिग्गज निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। उनका अच्छा खासा पैसा डूब गया। कैसे डूब गया उनका पैसा, क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल इन दिग्गजों ने लीडो लर्निंग एडटेक फर्म में पैसा लगाया था और अब ये एडटेक स्टार्टअप लीडो लर्निंग दिवालिया होने जा रही है। लीडो लर्निंग ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच को दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। लीडो लर्निंग के निदेशक मंडल ने दिवाला और दिवालियापन IBC कोड 2016 की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। कंपनी अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। ये फैसला शेयरधारकों की सहमति द्वारा लिया गया है। कहते हैं ना, सारे पापों का हिसाब आपको यही देना होता है। एडटेक कंपनी लीडो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लीडो लर्निंग एडटेक फर्म ने कुछ महीनों पहले ही अचानक 1200 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था और अब खबर आ रही है कि कंपनी दिवाला प्रक्रिया में जाने वाली है। अब आपको बताते हैं कंपनी ने क्या कहा। फर्म की MCA फाइलिंग में कहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 10 के मुताबिक कंपनी अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। ये फैसला शेयरधारकों की सहमति द्वारा ली गई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि कोविड लॉकडाउन खुलने के बाद से एडुटेक स्टार्टअप की हालत खस्ता हो गई है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनअकैडमी, बायजूस और भी कई एडुटेक स्टार्टअप ने पिछले एक साल में हजारों की संख्या में अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। इसके पीछे कंपनियों का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ कम है, इसकी वजह से लोगों को परचेजिंग पावर कम हो रही है। हालांकि इसके अलावा मुख्य वजह ये है कि इन कंपनियों को कई विदेशी बैंकों के द्वारा फंडिंग की जा रही थी, अब इन विदेशी बैंकों ने अपना निवेश खींच लिया है। बायजूस ने पिछले वर्ष $15 करोड़ में टॉपर को खरीदा था और अगस्त 2020 में व्हाइट हैट जूनियर को $30 करोड़ में खरीदा था। इनके अलावा एडटेक दिग्गज वेदांतु ने भी मई 2022 में 624 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद अगस्त 2022 में अन्य 100 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कुछ इसी तरह का संकेत यूनिकॉर्न अनअकैडमी ने भी दिए हैं। कंपनी के को फाउंडर गौरव मुंजाल ने मई 2022 में कर्मचारियों को फंडिंग विंटर की चेतावनी भी दी थी। ये तब हुआ जब अनअकैडमी ने अपने मुख्य व्यवसाय और समूह की कंपनियों में लगभग 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया। ऐसा ही कुछ हाल बायजूस का भी होने वाला है। भारी निवेश के कारण कंपनी का खजाना खत्म होने लगा है और व्यवसाय के ऑफलाइन मोड में शिफ्ट होने से फंडिंग स्रोत भी सीमित हो गए हैं। बायजूस भी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अपने लालच के क्रम में इन एडटेक कंपनियों ने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ऐसा वातावरण तैयार किया जो स्वतः खुद ही इनके ताबूत में कील ठोक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।